हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुख्तार अली शेख और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मीस एकेडमी। तो कुछ दिन कैलेंडर ट्रिक के हवाले से रखी थी मैंने वीडियो अपलोड की थी, तो इस वीडियो को देखने से पहले आप वो वीडियो ज़रूर देखें ताकि आपको ये भी वीडियो आपको समझ में आ जाए कि हम जो पहले वाली वीडियो थी उसमें क्या किया था मैंने कि सेम महीना था यानी सेम मंथ था, इसमें सेम मंथ नहीं है। आप देख सकते हैं के 5 फरवरी और 18 मार्च है, यानी जो मैंने पहले वाली वीडियो रखी थी उसमें सेम मंथ थे। अगर हम देखते थे कि फरवरी है तो हम फरवरी में ही देखते थे। अगर फॉर एग्जांपल आज 3 फरवरी है तो 8 फरवरी पे कौन सा दिन होगा, इसमें ये नहीं है। हम इसमें फरवरी है तो हम मार्च में देखेंगे कि मार्च में कौन सा दिन है। तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ वाले बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हम वक्तन बवक्तन मिलते रहें। तो आइए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि क्या है। पहले मैं स्टेटमेंट पढ़ूं। स्टेटमेंट में क्या है कि इफ इट वॉज सैटरडे 5 फरवरी इन 2022, यानी अगर 5 फरवरी पे कौन सा दिन है सैटरडे का कौन से साल में 2022 में, देन व्हाट विल बी डे ऑन 18 मार्च 2022 में। तो 2022 उसी साल में जो 18 मार्च है उसमें कौन सा दिन होगा। ये मैंने पहला दिन दिया है कि 5 फरवरी पे कौन सा दिन है सैटरडे, आप देख सकते हैं कैलेंडर में। तो अब हम देखेंगे कि 18 मार्च में कौन सा दिन होगा। तो आइए अपने वीडियो को स्टार्ट करें और इनको सॉल्व करें। तो अब हम क्या करेंगे कि जो फरवरी है, फरवरी कितने दिन का होता है, एक महीना कितने दिन का होता है 28 का, ठीक हो गया, कितने दिन का 28 दिन का होता है फरवरी, ठीक हो गया, कितने दिन का 28 दिन का फरवरी होता है। अगर ये 30 का होता, 31 का होता या 29 का होता तो हम उसी तरीके से करते हैं, पर ये जो फरवरी है वो है 28 दिनों की। तो हम क्या करेंगे, 28 से माइनस करेंगे हम 5 को, ठीक है, क्या करेंगे 28 को हम 5 से माइनस करेंगे, 28 माइनस 5, ये जो डेट है 5th वो ये मैंने यहाँ पे रखी है, 5 से हम ये टोटल डेज ऑफ द मंथ जो मैंने यहाँ पे मंथ दिया है ये उसके टोटल दिन हैं, टोटल डेज हैं, और ये जो तारीख दी हुई है ठीक है वो मैंने यहाँ पे रखी। हम क्या करेंगे 28 को माइनस करेंगे 5 से तो आपका जवाब क्या आएगा, आपका जवाब आएगा 23, ठीक हो गया। अब क्या करेंगे कि जो आपका ये जवाब आया 23 इसको हम इससे प्लस करेंगे, ठीक है, इससे 18th मार्च से हम क्या करेंगे प्लस करेंगे, 23 प्लस 18th मार्च, ठीक है। अगर हम इसको प्लस करेंगे तो कितना जवाब आएगा 41, क्या जवाब आया 41। ये जो 41 आपका जवाब आया इसको अभी हम क्या करेंगे, इसको हम अभी 7 से डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे 7 से डिवाइड करेंगे। तो आइए इसको 7 से डिवाइड करें, तो इस तरह हम लिख सकते हैं 41 को 7 से डिवाइड करें तो इनकी टेबल लगाए कितनी बार जाएगी, तो 5 बार तकरीबन जाती है, 5 7 दा कितना हुआ 5 7 दा 35, 6 7 दा हम पढ़ते तो 6 7 दा कितना होगा 6 7 दा 42 होगा, तो 42 बड़ा है नंबर तो हम क्या करेंगे इससे छोटा वाला हम नंबर पढ़ेंगे, 5 7 दा 35 हम माइनस करेंगे तो आप 6, तो आपके पास रिमाइंडर कितना आया 6, ठीक है। तो मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि हमको पता कैसे चले कि जो डेज है, जो डे है वो ये होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे जो ये वाला सैटरडे, ठीक है, हम इसको यहां से उठा
सैटरडे, और जितना भी हमारा रिमाइंडर आ रहा है, हमारा रिमाइंडर कितना है 6, तो हम क्या यहां पे 6 डॉट लिखेंगे, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ठीक हो गया। तो अब हम क्या करेंगे कि सैटरडे से आगे हम देखेंगे, सैटरडे से अगले वाला दिन कौन सा होता है, सैटरडे से अगले वाला दिन कौन सा होता है, ये होगा सैटरडे, उसके बाद होगा संडे, ठीक है, उसके बाद होगा मंडे, और उसके बाद होगा ट्यूसडे, उसके बाद वेनसडे, और उसके बाद थर्सडे, और उसके बाद क्या होगा, कौन सा दिन होगा, थर्सडे के बाद फ्राइडे, थर्सडे के बाद क्या होगा फ्राइडे, यानी आपका जो 18th मार्च पे जो डे होगा, ठीक है, कौन सी डे, 18th मार्च पे जो आपका डे होगा वो ये वाला, 18th मार्च में जो आपका डे होगा वो होगा आपका फ्राइडे। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो आप 2022 का कैलेंडर उठा के देख सकते हैं, ये मैंने इसलिए उठाया कि आप कैलेंडर में देख सकते हैं कि 2022 का जो 18th मार्च है उस पे दिन कौन सा होगा, आप देख सकते हैं यही डे होगा फ्राइडे को, ठीक हो गया। एक और आपके लिए मैं मिसाल लेके आया हूं, वो भी करेंगे इंशाल्लाह, आपका जो कॉन्सेप्ट होगा वो क्लियर हो जाएगा। तो ये रहा आपका एक और प्रॉब्लम, ठीक है, तो ये क्या है कि इफ इट वाज संडे ऑन 27th फरवरी इन 2022, देन व्हाट विल बी डे ऑन 24th मार्च 2022। हमने क्या देखा उस पे, पहले वाले जो प्रॉब्लम था हम उसमें थे कि 18th मार्च में कौन सा दिन होगा, अब हम यहां पे देख रहे हैं 24th मार्च पे कौन सा दिन होगा, हम सेम मेथड अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले हम क्या करेंगे कि जो ये 27 है यानी 27, और ये भी देखेंगे कि फरवरी में कितने दिन होते, 28 दिन होते हैं, ठीक है, कितने दिन होते, 28 दिन, ये 28 हम क्या करेंगे इससे माइनस करेंगे, ठीक हो गया, 28 माइनस 27, तो 28 से हम माइनस 27 करेंगे तो आपके पास आ रहा है 1, कितना जवाब आया 1, ठीक है, और ये जो 1 है हम इसको इससे प्लस करेंगे, ठीक हो गया, किससे प्लस करेंगे, इससे हम क्या करेंगे, इसको प्लस करेंगे, हम लिखेंगे पहले हम लिखेंगे पहले 24 और प्लस 1, ठीक हो गया, ये 24 और ये प्लस 1 हमने लिखा, तो आपके पास जवाब आ रहा है 25, ठीक है। और अगला वाला कौन सा स्टेप होगा, हम 25 को कितने बार टेबल जाती है 27 की 25 पे, अगर हम 4 बार पढ़ेंगे तो होगा 4 7 4 7 28, तो हम इससे क्या करेंगे, 4 बार हम टेबल नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे 3 बार टेबल, ठीक है, 3 7 21, तो माइनस हम करेंगे तो आपके पास आ रहा है 4, रिमाइंडर कितना आया, कितना आया रिमाइंडर 4, ठीक है, तो रिमाइंडर आपके पास 4 आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, अभी हम करेंगे, अब देखेंगे कि 27 फरवरी में कौन सा दिन था, संडे, ठीक है, अब संडे से हम 4 दिन आगे जाएंगे, पहले यहां पे आप संडे लिखें, ठीक है, उसके बाद आप 4 डॉट यहां पे लिखें, 1, 2, 3, 4, क्योंकि हमारे पास कितना रिमाइंडर, हमारे पास रिमाइंडर कौन सा डिजिट है 4, तो हम क्या करेंगे 4 डिजिट यहां पे लिखेंगे, अगर 5 होगा तो हम 5 डिजिट यहां पे लिखते होंगे,
तो हम क्या करेंगे, 5 यहाँ पे डिजिट लिखेंगे। हमारे पास है ही रिमाइंडर 4, तो हम क्या करें, हमने क्या किया कि 4 डिजिट हमने यहाँ पे लिखा। तो अब क्या करेंगे, संडे से हम आगे जाएंगे, संडे से अगर हमने आगे जाना है तो हम संडे के बाद क्या कौन सा दिन आता है, मंडे, ठीक है। उसके बाद मंडे से, मंडे के बाद ट्यूसडे, उसके बाद ट्यूसडे के बाद वेनसडे, और वेनसडे के बाद कौन सा दिन आएगा, थर्सडे, कौन सा दिन आएगा, थर्सडे, ठीक है। तो आपका जो 24th, तो आपका जो दिन होगा वो होगा थर्सडे, ठीक है। कौन सी तारीख पे, 24 मार्च 2022 में आपका जो डे होगा वो होगा थर्सडे। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो आप चेक कर सकते हैं, इसलिए ही मैंने आपके लिए 2022 का कैलेंडर यहाँ पे रखा, ताकि आपको सहूलत हो जाए, ताकि आपको आसानी हो जाए डेट देखने के लिए। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ शेयर करें और लाइक करें और कमेंट लास्ट में ज़रूर दें कि ये मेरा वीडियो आपको कैसे लगा। तो थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।